हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। तो चलिए बनाते हैं। धनिया, ज़ीरा, बड़ी सौंफ, लहसुन, अदरक और गरम मसाला, इन सबको मिलाकर जाड़ा पीस ले और फिर एक पोटली बना ले। 300 ग्राम चिकन लेंगे हम, उसमें ये पोटली डाल देंगे और बड़ी इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता और तीन से चार गिलास पानी डालें क्योंकि हम दो गिलास चावल ले रहे हैं, और नमक डालेंगे एक चम्मच और मोटा कटा हुआ कांदा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा नाम के लिए, और अच्छे से मिला लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे सिर्फ 50%। मीडियम साइज़ चार कांदा स्लाइस कटिंग करेंगे। गरम मसाला पूरा ले लेंगे और हरी मिर्ची लेंगे 4 से 8, और उसके बाद हम अभी तेल डालेंगे, सिर्फ तेल और थोड़ा सा नारियल का तेल डालेंगे, और फिर इसमें हम सारे गरम मसाला डालेंगे, फिर कड़ी पत्ता हरी मिर्ची डालेंगे और उसके बाद कांदा डालेंगे, अच्छे से भुनेंगे और थोड़ा सा भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक टमाटर काट के इसमें डालेंगे, उसके बाद भुनेंगे थोड़ा सा, आलू डाल के 2 से 3, और उसके बाद 2 चम्मच दही, अच्छे से भुनेंगे, फिर हम चिकन डालेंगे, उसके बाद हम 2 गिलास चावल ले रहे हैं, उसके बाद हम चिकन स्टॉक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक पहले भी डाले थे उसमें और थोड़ा डाल रहे हैं, फिर उसके बाद चावल डाल रहे हैं और फिर 1 लींबू चूरा। अब हमने इसमें नींबू डाल दिया है, हम इसे स्टीम दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद यखनी पुलाव रेडी हो चुका। आप इसमें बरिस्ता, कोथमीर डाल के इसमें सर्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।